चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री द्वारा विशेष घोषणाएं की गई हैं, जिसके अंतर्गत तहसील सदर क्षेत्र अंतर्गत औरंगाबाद में लाखों की धनराशि का निर्माण कराया जा रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज के निर्माण कार्य का जायजा जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार द्वारा लिया गया। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करते हुए DPR के अनुसार प्रयोग में लाई जा रही ईंट, सीमेंट, बालू, रेत, कंक्रीट, सरिया आदि निर्माण की सामग्री का अवलोकन किया। उन्होंने टेंडर में दर्शाई गई निर्माण सामग्री के बारे में जो भी निर्देश थे उससे संबंधित जानकारी ली। इसके साथ ही लैब टेस्टिंग रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पता चल सके कि सरिया जो प्रयोग किया जा रहा है वो सही गुणवत्ता का है कि नहीं। इसके अलावा जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने आज कोतवाली सियाना में आयोजित थाना समाधान दिवस के अवसर पर कोविड हेल्प डेस्क का निरीक्षण करते हुए तैनात महिला पुलिस कर्मियों से समाधान दिवस में आए हुए फरियादियों की थर्मल स्कैनिंग करते हुए जानकारी पंजीकृत किए जाने से संबंधित जानकारी हासिल की और इससे संबंधित निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने थाना समाधान दिवस पंजिका का अवलोकन करते हुए शिकायतों के निस्तारण के संबंध में जानकारी हासिल की और आवश्यक निर्देश दिए, ताकि प्राथमिकता के आधार पर तुरंत सबकी समस्या का हल हो सके। बुलंदशहर नगर पंचायत बुगरासी द्वारा संचालित अस्थायी पशु आश्रय स्थल गौशाला का निरीक्षण जिलाधिकारी द्वारा किया गया और निरीक्षण करते हुए गोवंशों को किस तरह का चारा उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके अलावा चिकित्सा से संबंधित सभी जानकारियां ली। इसके अलावा गौशाला पंजिका का भी अवलोकन किया और संबंधित निर्देश जारी करके अधिकारियों को आदेश दिए गए, ताकि पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी चारा और व्यवस्था दी जा रही है वो निर्देश के अनुसार हो। निरीक्षण के समय जिलाधिकारी श्याना सुभाष सिंह, चेयरमैन आरिफ खान, EO बुगरासी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।